गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स की बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है अब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे कि टू स्टेप्स में ये प्रोसेस होती है फर्स्ट स्टेप में ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है और नेक्स्ट स्टेप में इंटरनल रेस्पिरेशन होता है यानी सेल के अंदर डाइजेस्टेड फूड का ब्रेकडाउन होता है मेन टू स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की मीनिंग है कि रेस्पिरेशन का एक कम्प्लीट वर्किंग बॉडी के अंदर इन टू स्टेप्स में किन किन बातों को हम पढ़ेंगे द फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग ब्रीदिंग की क्या मीनिंग होती है ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन एक्सटर्नल एटमोसफियर एंड लंग्स ब्रीदिंग एक ऐसी फिजिकल प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसेस का एक्सचेंज होता है एक्सचेंज का मतलब ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जाती होगी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर आती होगी इस तरीके से गैसेस आपस में एक्सचेंज करती हैं किस जगह पे एक्सचेंज करती हैं एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच ये एक्सचेंज होता है तो इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं ब्रीदिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो होती है इंटरनल रेस्पिरेशन लेकिन ये इंटरनल रेस्पिरेशन टू स्टेप्स में कंप्लीट होती है फर्स्ट स्टेप इज एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन एलव्यूलाई एंड ब्लड इस लाइन की क्या मीनिंग है इसको मैं अभी डिटेल में आपको क्लियर करूंगी पहले ये समझिए कि ब्रीदिंग की प्रोसेस के समय अगर ऑक्सीजन गैस कहाँ पहुंची होगी लंग्स तक पहुंची होगी तो लंग्स से वो एल्वियोलाई तक पहुंची होगी यानी सैक तक होगी। मैंने आपको लास्ट टर्न में ही बताया था कि एल्वियोलर सैक के पास जब गैसेस पहुंचती हैं, जब के पास गैसे है, तो वहां एल्वियोलाई के पास ब्लड कैपलेज का पूरा एक बंच होता है जिसमें ब्लड होती है वहीं से ऑक्सीजन जो है वो उसमें पहुंचा दी जाती है डिफ्यूजन की प्रोसेस से तो यहाँ पर वो जो एक्सचेंज एल्वियोलाई और ब्लड के बीच जो एक्सचेंज दिखाया गया है वो ब्रीदिंग की प्रोसेस के बाद ये होता है इसके बाद एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज़ इसको मैं आपको डायग्राम से जो है नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ तो दो स्टेप जो होंगे वो इंटरनल रेस्पिरेशन में होंगे और ब्रीदिंग में एक स्टेप होगी यानी मेकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में टोटल थ्री स्टेप्स होंगे क्लियर ये एक सिंपल सा डायग्राम है ये आपके नेक्स्ट टॉपिक में आएगा ये डायग्राम लेकिन अभी इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये देखिए ये लंग्स हैं सपोज ये बॉडी का अरेंजमेंट है ऑर्गन्स का ये लंग्स हमारी हैं लंग्स के पास ब्लड कैपिलरीज हैं यानी एल्वियोलाई के पास ब्लड कैपिलरीज का बंच है इनसे ब्लड वेसल्स अराइज होती हैं और ये बॉडी टिश्यूज़ हैं जहाँ पर ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ले जाई जाती है हर ऑर्गन जहाँ से भी ब्लड जहाँ भी जाती है जहाँ तक पहुँचाई जाती है उन सभी के बीच में हार्ट अपना वर्क करता है क्योंकि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है ब्लड को सभी जगहों तक भेजने का काम हार्ट करता है आप हार्ट को यहाँ पर देखिए लेकिन दिमाग में केवल आप लंग्स और बॉडी टिश्यूज़ को लेकर आइए लंग्स के पास ऑक्सीजन रिच यहाँ पर आप देखिए ये बॉडी सेल्स हैं सपोज मैं बात करती हूँ ब्रीदिंग की ब्रीदिंग से हम स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग की प्रोसेस जब होती है तो सबसे पहले मान लीजिए ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुँचती है सबसे पहले ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक ब्रीदिंग की प्रोसेस से पहुँचती है यानी एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच जब एल्वियोलाई तक पहुंचती है तो वो ऑक्सीजन कहां पर आ जाती है ब्लड कैपलरीज में ये जो ब्लड मैंने रेड कलर की दिखा रखी हैं इसका मतलब कि इस ब्लड में ऑक्सीजन रिच एयर अब आ चुकी है अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है ये पहले हार्ट तक आती है हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है बॉडी की हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि ब्लड में ऑक्सीजन कौन सी प्रोसेस से मूव किया है डिफ्यूजन की प्रोसेस से मूव किया है ब्रीदिंग की प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस से किस तरीके से ऑक्सीजन ब्लड में आया है तो फिर से यहां पर समझिए लंग्स के पास जो मैंने ब्लड कैपलरीज दिखाई हैं यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स और ब्लड हुआ है यानी लंग्स तक जो ब्रीदिंग की प्रोसेस से ऑक्सीजन पहुंची थी वो एक्सचेंज होकर ब्लड में आ गई तो एक्सचेंज यहां पर हुआ अब ये ऑक्सीजनेटेड जब बॉडी टिश्यूज के पास पहुंचती है तो ऑक्सीजन के पास कोई हाथ पैर नहीं होते उस ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो फिर से डिफ्यूजन की प्रोसेस से बॉडी सेल्स में आ जाएंगी गैसेस डिफ़्यूजन की प्रोसेस परफॉर्म करके कैसे एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन डिफ्यूजन की प्रोसेस से बॉडी सेल्स में आ जाती हैं बॉडी सेल्स में जब ऑक्सीजन आती हैं तो ह्यूमन बींग्स एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं इस ऑक्सीजन की मदद से इनकी बॉडी सेल्स में जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड होता है ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की मदद से उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक्यूमिलेट होता जा रहा है अब ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन की ही प्रोसेस से फिर से ब्लड में जाता है तो इट मींस कि मैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेस वर्ड जब बोलती हूँ तो एक बार ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो रही है एक बार कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रही है तो ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही तो हो रही हैं जब बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंचती है डिफ्यूजन की प्रोसेस से तो इस ब्लड में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अब ज़्यादा होने लगी तो इस ब्लड को मैंने ब्लू कलर का शो किया है यानी ये एक डी ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कहाँ पहुँचाई जाती है हार्ट में पहुँचाई जाती है और हार्ट इसे पंप करता है हमारे लंग्स के पास फिर से क्यों पंप करता है हार्ट हमारे लंग्स के पास क्योंकि लंग्स के पास लगातार ब्रीदिंग की प्रोसेस से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आती रहती है इसलिए हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसे फिर से लंग्स के पास भेजता है जब लंग्स के पास ये ब्लड कैपलरीज के अंदर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर लंग्स में पहुंच जाता है और बदले में ब्रीदिंग की प्रोसेस से ही ऑक्सीजन आती है इट मीन्स कि यहां पर जब हमने ये प्रोसेस एक्सप्लेन करना शुरू किया था तो एक बार ऑक्सीजन ब्लड में आई थी और एक बार मैं कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर जाता देख लू इट मीन्स कि हर जगह आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस दिखाई दे रही है ऑक्सीजन का इन होना कार्बन डाइऑक्साइड का आउट होना तो ये पूरा जो फ्लो चार्ट बना है इसमें तीनों स्टेप कंप्लीट हुई है कौन 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 सी स्टेप ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है तो यहाँ पर एक्सटर्नल एटमोसफियर से लंग्स तक ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है और उसके बाद ये ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में आ जाती है तो इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स और ब्लड हो गया फिर ये ऑक्सीजन हार्ट से होते हुए बॉडी सेल्स तक आती है आती है बॉडी सेल्स के अंदर तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स क्लियर दिस पॉइंट जैसे ऑक्सीजन का इधर मैंने एक्सचेंज दिखाया है इस पूरे साइड में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज दिखाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल से ब्लड में गई ब्लड से लंग्स में गई और लंग्स से फिर ब्रीदिंग की प्रोसेस से एटमोस्फियर में रिलीज कर दी जाती है हर जगह गैशियस एक्सचेंज आपको दिखाया गया है तो ये थ्री स्टेप्स में होता है क्लियर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स ये टू स्टेप्स आपके लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो इस वीडियो को बार बार आप पॉज करके फिर से जो है पिक्चर की मदद से इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा जो डायग्राम जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है उसकी मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश कीजिएगा अब आते हैं डिटेल स्टडी ऑफ ब्रीदिंग अभी ही मैंने ब्रीदिंग के लिए बताया कि ब्रीदिंग एक ऐसी फिजिकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है एक बार ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स तक पहुँचाई जाती है दूसरी बार जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में पहुंचाई जाती है ब्रीदिंग की प्रोसेस के समय टू स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक को हम कहते हैं इन्हेलेशन द सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन इन्हेलेशन की मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन यानी ब्रीदिंग की प्रोसेस के समय जिस समय ऑक्सीजन रिच एयर अंदर ली जाती है उसे हम इन्हेलेशन कहते हैं और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जब बाहर की जाती है तो उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं इन्ेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस को करते समय हमारे लंग्स में हमारे चेस्ट कैविटी में हमारी रिपकेज में डायफ्राम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं अगर ये चेंजेस ना आए तो आसानी से एयर इन और आउट नहीं हो सकती क्लियर दिस पॉइंट तो चलिए उन चेंजेस के बारे में हम डायग्राम से क्लियरली समझते हैं इनहेलेशन की प्रोसेस के समय किस तरीके से आसानी से ऑक्सीजन रिच एयर हमारे लंग्स तक एल्वियोलाई तक पहुंचती है उसके लिए एक सक्शन एक प्रेशर की ज़रूरत तो होगी ही क्या होता है जब हम इन्हेलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं आप प्रैक्टिकली भी सांस को नाक से अंदर लेने की कोशिश कीजिए तो आप देखेंगे कि आपकी चेस्ट कैविटी में एक चेंज आपको दिखाई दे रहा है वो चेंज क्या है जब भी इन्हीशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है उस समय ये डायफ्राम जो कि एक मस्क्यूलर शीट है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डाउनवर्ड होता है यानी नीचे की तरफ मुड़ता है और जब ये नीचे की तरफ मुड़ता है तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है लंग्स इस पर होती हैं वो स्ट्रेच होता है पहली चीज़ तो डायफ्राम जो होती हैं और साथ ही साथ जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जब हम तेजी से टेक इन एयर करते हैं तो डायफ्राम उस समय कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब केज हमारी जो होती हैं ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करती हैं इस चीज़ को आप करके देखिएगा आपकी रिपकेज बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ होनी शुरू हो जाएगी जब ये बाहर की तरफ होनी शुरू हो जाती है रिपकेज तो हमारी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है यानी वो स्पेस जो होता है चेस्ट कैविटी का वो ज़्यादा हो जाता है और जब चेस्ट कैविटी का स्पेस ज़्यादा होगा तो हमारी लंग्स जो कि चेस्ट कैविटी में ही होती है वो भी स्ट्रेच होगी उसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा एक और बात आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमारे लंग्स में परमानेंटली कुछ अमाउंट एयर का प्रेजेंट होता है एयर एक गैशियस सब्सटेंस है जब लंग स्ट्रेच होगी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर लंग के जो एयर भरी होती है उनके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे और जब पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो उनके अंदर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगी लंग्स के अंदर प्रेशर कम होने लगेगी किसकी तुलना में कम होने लगेगी एटमॉस्फेयर की प्रेशर की तुलना में जो प्रेशर एटमॉस्फेयर में है उस प्रेशर की तुलना में लंग्स के अंदर की जो प्रेशर है एयर की वो कम हो जाएगी और यहाँ पर भी हाई टू लो की ही प्रोसेस चलेगी बाहर की जो प्रेशर है एयर की वो ज़्यादा है और हमारे लंग्स में जो एयर की प्रेशर है वो कम हो गई है किस वजह से कम हो गई है क्योंकि लंग का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो गया लंग हमारी फैल गई है स्ट्रेच हो गई है किस लिए स्ट्रेच हुई है क्योंकि हमने जोर लगाकर मैनुअली फिज़िकली एयर को इन करने की कोशिश की है अपने नोस्ट्रल की मदद से वॉल्यूम जब बढ़ी किसी चीज की स्पेस ज्यादा हो गया तो एयर जो है वो दूर दूर चली गई तो प्रेशर जो पार्टिकल्स का है वो कम हो गया तो इस तरफ बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा और अंदर की तरफ प्रेशर कम होने की वजह से ज्यादा से कम की तरफ एयर क्या करनी शुरू हो जाती है मूव करनी शुरू हो जाती है और जब ज्यादा से कम की तरफ एयर मूव करने लगती है तो हमारे लंग्स की अंदर आसानी से एयर क्या हो जाती है भर जाती है फिल हो जाती है हमने इनहलेशन की प्रोसेस के समय केवल एयर को अंदर लेने की कोशिश की है लेकिन एयर पूरी तरह से लंग्स में तभी फिल होगी जब लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर एटमॉस्फेयर के एयर प्रेशर से कम होगा इस चीज को दोबारा आप वीडियो को पॉज कर, कर, कर के देखिए समझिए तो कौन कौन से चेंजेस आए हैं इनहेलेशन के अंदर डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं रिप केज अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करती है लंग का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से लंग्स के अंदर की जो एयर प्रेशर होती है वो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से कम हो जाती है और इस तरीके से बाहर की एयर आसानी से रश कर जाती है क्लियर दिस पॉइंट अब आते हैं हम एक्जेशन की प्रोसेस में एक्जलेशन की प्रोसेस क्या है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम अपने लंग्स से बाहर की तरफ ब्रीद आउट करते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर करते हैं एक बार हम इन करते हैं बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचती है जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में बनती हैं ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक आती है और लंग्स से हम उसे क्या करते हैं एक्सहेल करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो हम एक्सलेशन की प्रोसेस फिजिकली परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं लेकिन रियल सिचुएशन में पूरी की पूरी एयर हमारे लंग्स से बाहर तभी होगी जब यहां पर भी हमारे लंग्स में कुछ चेंजेस आएंगे प्रेशर कम ज्यादा होगा इसके बारे में मैं बताती हूं, जिस समय हम की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हमारी डायफ्राम जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी अब वो रिलैक्स्ड हो जाएंगी इंटरकोस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी वो रिलैक्स्ड हो जाएंगी यानी ये अपने नॉर्मल पोजीशन पर पहुंचनी शुरू हो जाएगी और जब ये रिलैक्स होनी शुरू हो जाएगी तो रिपकेज भी नीचे की तरफ यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा पहले आउटवर्ड था अपवर्ड था अब डाउनवर्ड हो जाएगा इनवर्ड हो जाएगा यानी अंदर की तरफ आ जाएगा जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी की जो साइज़ है वो पहले की तरह होने लगेगी यानी कम होने लगेगी चेस्ट कैविटी की साइज़ कम होने से हमारा जो लंग्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो के यानि अपनी साइज़ को फिर से रिड्यूस कर लेगा पहले इन्हेलेशन के समय लंग्स का वॉल्यूम यानी लंग्स का साइज़ बड़ा हो गया था लेकिन अभी लंग्स का साइज़ फिर से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला गया यानी डिक्रीज हो गया पहले की कंडीशन से इससे क्या होगा जब लंग्स का स्पेस कम हो जाएगा तो लंग्स के अंदर ऑलरेडी जो एयर भरी हुई है उनके पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे और जब पार्टिकल्स एयर के पास पास आ जाएंगे तो उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स बिकम मोर और एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसमें अगर तुलना की जाए दोनों की तो लंग्स के अंदर की जो एयर प्रेशर होती है अब वो ज़्यादा हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्लियर दिस कम हो जाती है सॉरी कम हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर प्रेशर यहां पर हाई है एयर प्रेशर इन लंग्स हाई है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है तो जब लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है तो कोई हर चीज हाई से लो की तरफ क्या करती है मूव करती है यानी लंग्स से एयर जो है वो एटमॉस्फेयर की तरफ क्या करना शुरू हो जाएगी ज्यादा शुरू हो जाएगी ये साइन जो है आप चेंज कर लीजिए एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज लो इन दिस केस and air pressure inside the lungs is high in this case. Clear this point? इस sign को आप change कर लीजिएगा तो इस case में air pressure lungs में ज्यादा हो गया था कम हो गया था जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने से एयर रश की थी जबकि यहां के केस में एयर प्रेशर लंग्स में ज्यादा हो गया और वो प्रेशर जो है क्या होने लगी उस प्रेशर की वजह से एयर आउट होने लगी आई होप आपको ये ब्रीदिंग की प्रोसेस समझ में आ गई होगी इस डायग्राम को भी आप आ, आ, बना लीजिएगा कॉपी में इस डायग्राम में कुछ नहीं शो किया गया है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाईऑक्साइड हाई एटमोसफियर की जो ऑक्सीजन रिच एयर जब एल्वियोलाई तक आती है तो उसका कंसेंट्रेशन एल्वियोलाई में ज़्यादा होता है यहाँ पर जो ये दिखाया गया है ये डार्क स्ट्रक्चर ये ब्लड वेसल हैं आर बी सीज हैं और आर बी सीज में जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है स्टूडेंट आप याद रखिएगा जब भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड तक पहुँचती है वो पूरी बॉडी में पहुंचने के लिए यानी अगर मान लीजिए ब्लड में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आई है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन क्या होती है एक रेड पिगमेंट होती है रेड कलर की पिगमेंट होती है जो कहाँ पाई जाती है हमारे ब्लड की जो आर होती हैं रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें पाई जाती है एल्वियोलाई तक इन्हेलेशन की प्रोसेस से जब ऑक्सीजन रिच एयर आती है तो कंपेयर किया जाता है इसके कंसंट्रेशन को क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है इसकी तुलना में कहाँ की तुलना में ब्लड की तुलना में यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन यहाँ ब्लड में लो कंसंट्रेशन तो डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी हाई टू लो इसकी इस वजह से ऑक्सीजन तुरंत ही किधर मूव करने लगता है ब्लड की तरफ तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो गई एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड अब जब ऑक्सीजन जैसे यहाँ पर आता है उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ क्या कर लेती हैं बाइंड अप कर लेती हैं और हीमोग्लोबिन बाइंड करने के बाद ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन एच बी मैंने लिखा है ऑक्सीजन को ये तुरंत बाइंड अप करना शुरू करती हैं और ऑक्सीजन को बाइंड अप करके ये एक कंपाउंड बनाती हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या कहते हैं स्टूडेंट ऑक्सीहीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं और इस हीमोग्लोबिन नाम के कंपाउंड की वजह से पूरी बॉडी से ब्लड से होता हुआ हमारा ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक पहुंचाया जाता है अब जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन पूरे ब्लड में फ्लो करेगा तो जब बॉडी सेल्स तक इसको पहुंचना होगा तो उस समय हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को क्या कर देता है रिलीज करके बॉडी सेल्स तक भेज देता है ठीक इसी तरीके से आपको पता है इस डायग्राम में आपने देखा ही था कि यहाँ जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होती रहती है तो साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती रहती है बनती रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी यहां पर ज्यादा है और ब्लड में कहा जाता है कि क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रही है तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी सेल्स में ज़्यादा है तो हाई टू लो क्या करने लगती है कार्बन डाइऑक्साइड मूव करने लगती है जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाती है ब्लड की जो हीमोग्लोबिन होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी क्या करती हैं बाइंड अप होनी शुरू हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये जब बाइंड अप होती है तो उस समय भी ये कंपाउंड बनाती है जिसका नाम है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन क्या नाम है उसका कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन उसको कहते हैं और इस कंपाउंड की मदद से पूरे थ्रू आउट द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन की मदद से फ्लो करता रहता है और जैसे ही वो जो है लंग्स के पास एल्वियोलाई के पास ये ब्लड आती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम तो हाई टू लो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करने लगता है मूव करने लगता है और उस समय जिस समय मूव करने की प्रोसेस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जो कंबाइंड था अब ये ब्रेकअप हो जाता है और इधर की तरफ मूव कर जाता है मुझे ये मालूम है कि ये पूरा एक वीडियो आपके लिए डिफिकल्ट है लेकिन आप इसे बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में लिखिए मैं कुछ इसके लिए कुछ और सिंपल सा जो है मेथड ले आऊंगी ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए थैंक यू स्टूडेंट्स